बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में सीबीआई ने लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है। सीबीआई ने कल लालू यादव और राबड़ी देवी समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने 20 मई को दिल्ली से लेकर बिहार तक छापेमारी की। सीबीआई ने पटना में लालू के चार ठिकानों पर छापा मारा था। राबड़ी देवी के आवास में भी छापेमारी की गई थी। सीबीआई की टीम दिल्ली में सांसद मीसा भारती के आवास पर भी पहुंची थी। वहां लालू यादव से पूछताछ की गई। आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलाई गई। नौकरी देने के एवज में लालू यादव ने गरीब लोगों से जमीन लिखवा लिए थे। जब लालू रेल मंत्री थे तब घोटाला हुआ था। दायर शिकायत पत्र में कहा गया है कि लालू यादव ने नौकरी के बदले प्राइम लोकेशन पर जमीन ली थी। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब इस तरह की बातें चर्चा में आई थी कि लालू परिवार के सदस्य जमीन लेकर रेलवे में बड़े पैमाने पर नौकरी दे रहे हैं। इस बात की शिकायत सीबीआई तक भी पहुंची थी। शुरुआती जांच में सबूत मिलने और कोर्ट से अनुमति मिलते ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। अब सीबीआई ने लालू राबड़ी समेत 16 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।